अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नियाज़ी स्टिचिंग एंड पेंटिंग। आज मैं कुशन बनाना सिखाती हूँ। वैसे तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कुशन सिखाती हूँ, जिसमें के राउंड शेप में, स्क्वायर में, हार्ट शेप में, हर तरह का सिखाती हूँ कुशन। राउंड शेप में भी बहुत सारा डिज़ाइन है, स्क्वायर में भी बहुत सारा डिज़ाइन है। तो आज मैं राउंड शेप में एक डिज़ाइन आप लोग से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक चार्ट पेपर लूँगी और उसे लंबाई की तरफ से फोल्ड कर उसे कट कर लूँगी, और जो बचा हुआ पीस है उसे लंबाई की तरफ जोड़ के 1.5 मीटर लंबा कर लूँगी। और 1.5 मीटर लंबा करने के बाद इस तरह से मैं 2-2 सेंटीमीटर का लाइन खींचूँगा, जिस तरह से ग्राफ में दिखाया जा रहा है। एक तरफ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से उसका लाइन खींच लेंगे। 1.5 मीटर का शीट तैयार हो जाएगा। उसके बाद 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का इस तरह से, जैसे ड्राफ्ट में दिखाया गया है, इस तरह से मैं सारा डब्बा तैयार कर लूँगी। जब सारा डब्बा तैयार हो जाएगा तब इसके अंदर से मैं ड्राफ्ट बनाऊँगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से मैं ड्राफ्ट बनाती हूँ। दो सेंटीमीटर वाला डब्बा तैयार करने के बाद उसके ऊपर साइड में 2 इंची लेकर मैं ऐसे डॉट डॉट करके निशान लगाऊंगी, और इस तरह से मैं आगे का ड्राफ्ट बनाऊंगी। इस निशान के ऊपर से मैं 3.5 का डॉट डॉट लगाऊंगी और इस तरह से मैं लाइन खींचूंगी। इस तरह से मेरा सारा ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब आगे इसको क्या करना है देखते हैं। इसके बाद ड्राफ्ट को मैं पलट कर उसके उल्टे साइड में कार्बन सेट करूंगी, फेविकॉल से या गम से इस तरह से सेट करूंगी, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से सारे ड्राफ्ट पर कार्बन चिपका कर इस तरह से तैयार कर लूँगी। अब मैं कपड़े पर ड्राफ्ट बनाऊँगी। कपड़ा पर ड्राफ्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा लूँगी, साटन कपड़ा। उसके बाद उसको 20 से ½ कर लूँगी, इस तरह से जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, उसे हाफ कर 2 पार्ट कर लूँगी। 1.5 मीटर में हमारा 2 कुशन तैयार होगा। हाफ पार्ट को अभी अलग रख दूँगी और हाफ पार्ट पर मैं ड्राफ्ट बनाना शुरू करती हूँ। ड्राफ्ट जो मैंने बना के रखा है चार्ट पेपर पर, इसी को उस पर पिन लगाकर सेट करूँगी, और इस तरह से मैं कपड़े में पिन लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा कपड़ा इधर से उधर हो जाएगा और हमारा ड्राफ्ट खराब हो जाएगा। इसलिए पिन एकदम कंपलसरी है, पिन लगा के ही हमें बनाना है। ड्राफ्टिंग के बाद जो हमारा इतना सा कपड़ा बचता है वो भी हमें काम आएगा, आगे मैं दिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं।
ड्राफ्टिंग के बाद अब मैं इसे सीने बताती हूँ। सीने के लिए सबसे पहले इंची टेप से मैं 65 इंची धागा नाप के लूँगी और उसे फिर को रिपन कर लूँगी। रिपन करने के बाद फिर इस तरह से मैं उसकी गिरा लगा लूँगी और फिर उस तो जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है इस तरह से नाप करके 27 इंची पर डॉट्स लगाऊँगी। उसके बाद मैं कपड़े को राउंड शेप में इस तरह से पहले मैं सिलाई कर लूँगी ड्राफ्ट को मिलाते हुए जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। सिलने के बाद हमारा ये जो कपड़ा है वो पूरा राउंड शेप में तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं इसी सिलाई के ऊपर से गिरा को डालते हुए और इस तरह से मैं सिलाई शुरू करना शुरू करूँगी। यहाँ पे मैंने वीडियो का स्पीड स्लो रखा है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। अभी हमारा सिलाई हो गया है कंप्लीट। तो आइए अब इसमें मैं कॉटन भरना बताती हूँ। इसमें हम सिंथेटिक कॉटन डालेंगे ताकि जब ये हमारा कुशन गंदा भी हो जाएगा तो उसे आसानी से मैं वॉश कर सकती हूँ और फिर आराम से सुखा लूँगी। फिर उसी तरह से मैं ये फुला फुला ही रहेगा, बैठेगा नहीं। तो टेडी बियर में जिस तरह से सिंथेटिक कॉटन डाला जाता है वही कॉटन मैं इसमें डाल दूँगी।
ना। सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये कुशन बनाना सीख गए होंगे और आप लोग भी बनाएंगे इस तरह से। और आप लोगों को ये हमारा कुशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे डिज़ाइनों के साथ। थैंक यू।